देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तमाम इसरो के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो है सफल जो है वहां पे चंद्रमा के सतह पे उतरा और यह पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, तिरंगा पूरा फहराया गया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिस तरह से जहां पे उतरा उसकी जो नाम की घोषणा शिव शक्ति प्वाइंट किया है, निश्चित रूप से हम उसको शिव शक्ति धाम के रूप में देख रहे हैं। चंद्रमा पे पहला शक्तिपीठ शिव शक्ति धाम ही होगा जहां पे उतरा है। और चंद्रमा से हमारा सनातन धर्म का बहुत ज्यादा संबंध है। चंद्रमा तो भगवान शिव के मस्तक में विराजमान होता है। चंदा मामा की लोरिया आप बचपन से सुनते आए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है और मैंने सरकार से पत्र भी भेज रहा हूं कि उस पर हिंदू महासभा संत महासभा की तरफ से कि इसके पहले कि वहां भी जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचे उसको चंद्रमा को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और चंद्रमा की जो पॉइंट है, जो शिव शक्ति धाम है जिसे शिव शक्ति पॉइंट भी बोलते हैं, उसको वहां की राजधानी बनाया जाए और इसी के साथ वहां ताकि किसी प्रकार की जिहादी मानसिकता ना हो। सनातनी सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के सिद्धांत वहां पे हो। और इसी निमित्त हमने हिंदू महासभा संत महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया है कि वहां पे जो शिव शक्ति धाम है वहां पे भव्य विशाल जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की और गणेश जी की भव्य भगवान शिव का मंदिर वहां बनेगा और जिसको हिंदू महासभा संत महासभा बनवाएगी। भविष्य में जैसे ही सुलभ होता है आना जाना तो वहां पे भव्य उस पॉइंट पे मंदिर बनाएगा। तो इसलिए हिंदू महासभा संत महासभा ने इसको प्रस्ताव पास किया है और सरकार को इस निमित्त हमने पत्र भी भेजा है और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी भेज रहे हैं कि उसको हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में चंद्रमा को घोषित किया जाए और उस पॉइंट पे हिंदू जो वो हो भगवान शिव और शक्ति धाम के रूप में विशाल भव्य मंदिर बनेगा वहाँ। हालांकि एक तरफ महुआ मोइत्रा हैं जिन्होंने एक बयान दिया है कि ट्वीट करके कहा है कि अब तो अडानी को रियल एस्टेट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, वो वहाँ फ्लैट बनाएंगे, मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं होगी, वेजिटेरियन वहां पर जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे, खान पान की चीजें। तो क्या आपका कहना है इसको? देखियो, महुआ मोइत्रा ने क्या बोला वो जाने, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जब वहां पे शिव शक्ति धाम बन रहा है तो और वहां पे हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट होगा तो निश्चित रूप से जो सकारात्मक सोच के लोग रहेंगे वही वहां पे आ पाएंगे, चाहे मोइत्रा हो या कोई भी नकारात्मक सोच जो टिप्पणी कर रहे हैं जिसे शिव शक्ति पीठ से, शिव शक्ति धाम से, शिव शक्ति पॉइंट से जिसको एलर्जी है उनको तो नहीं जाना पाएगा। तो इसलिए उसको पूरी तरह हिंदू राष्ट्र के रूप में रहेगा और जो आए वहां से पूरे विश्व की कल्याण की कामना होगी। वहां पे यज्ञ अनुष्ठान होंगे, वहां पे पूरी तरह सनातन पद्धति से अनुसार जीवों पे रक्षा, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की बात होगी। एक तीसरा सवाल, देखिए, खालिस्तानियों पे जरूरी है कि अंकुश लगाना, ये राष्ट्रद्रोह ही है और पिछली बार भी तिरंगा का अपमान लाल किले पे जिस प्रकार से किया तो खालिस्तानियों में कहीं ना कहीं पहचान करने की आवश्यकता है कि जो भी देश में खालिस्तानी समर्थक है उन पे अंकुश लगाया जाए और विदेशों में भी भारत का अपमान कर रहे हैं। तो इन खालिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कितना भी आप वो कर लो, नकारात्मक और जिहादियों के चढ़ावे पे करो, ये देश आपका है और आप इसको समझो, अन्यथा आपका अंजाम भी वही होगा जो आतंकियों का होता है। तो इसलिए देश विरोधी गतिविधियों में कोई भी लिप्त होगा तो उसके हालात बहुत बुरे होने वाले हैं।